हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। देखो बच्चों, आपको पता है कि ये 2019 खत्म होते होते आ रहा है, मतलब 2020 खेलना है बच्चों इस साल हम लोगों को एग्जाम के साथ। तो इसलिए प्रिपरेशन अच्छी करना है। आपके लिए मैक्सिमम 30 डे का टाइम है ऐसा बोल दूंगा मैं तो, क्योंकि बच्चों 1 तारीख से प्रैक्टिकल एग्जाम है और ये 2-3 दिन तो खत्म हो जाएंगे ऐसे ही। तो इसलिए बिल्कुल कंसंट्रेट करना है, पढ़ना है अच्छी तरह से, नोट्स बनाना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है और आउट ऑफ मार्क लेना है। बिल्कुल फिजिक्स में बच्चों आउट ऑफ मार्क ले सकते हो, लेकिन पूरा लेक्चर देखो। न्यूमेरिकल एचएससी इंपॉर्टेंस न्यूमेरिकल की एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। बहुत सारे बच्चों के कॉमेंट्स आते हैं, सर हम लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। अरे न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिए हैं, देख लेना अच्छी तरह से प्लेलिस्ट में जाके। ओके, तो बच्चों हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, न्यू चैप्टर स्टार्ट करें। P1 को खत्म कर चुका बच्चों, मैं दोबारा बोल रहा हूं, KTG एंड रेडिएशन नहीं लेने ही वाले हैं। अगर बच्चे को बहुत सारे कमेंट्स आएंगे तो उसके ऊपर मैं एक वीडियोस बनाऊंगा कि जो चैप्टर, देखो बच्चों हम लोग स्किप भी कर सकते हो। आपको पता है कि इस साल में ऑप्शन बहुत ज्यादा है, तो स्किप कर सकते हो KTG एंड रेडिएशन। लंबा जोड़ा चैप्टर्स है, मार्क कम है, इसलिए अच्छी तरह से देख लेना उसको। और लगे तो मैं जो उनके लॉज है, स्टेपन्स लॉ, न्यूटन्स कूलिंग्स लॉ, पता है ना आप लोग को, है कि नहीं है। उसके बाद में डिस्प्लेसमेंट लॉ, थर्मोडायनेमिक्स लॉ, ये लॉ को बॉयज लॉ, ये लॉयज लॉ देख लेना। लॉ के ऊपर भी सवाल आते रहते हैं, ज्यादा मत करते बेटू चैप्टर को बच्चों। उसके बाद में हम लोग P2 स्टार्ट कर रहे हैं आज। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहला लॉ, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहले लेक्चर में पहला लॉ देख रहे हैं, क्रिचर्स लॉ। ओम्स लॉ तो पता ही होगा बच्चों आपको, V इज इक्वल टू IR, R इज इक्वल टू V बाय R, R इज इक्वल टू V बाय I, ऐसे फार्मूले बना सकते हो। और रेजिस्टेंस के लिए, रेजिस्टिविटी के लिए भी फार्मूला बना है, आप लोग देख लेना। ओके, तो मैं सीधा सीधा जो बोर्ड में मैक्सिमम सवाल आता है, क्रिचर्स लॉ। क्रिचर्स लॉ में बच्चों दो लॉ होते हैं। पहले लॉ क्या है, पहले लॉ के ऊपर बात करेंगे। पहला लॉ बच्चों हम लोग यहां पर देखने वाले हैं क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ। कौन सा? क्रिचॉफ, है ना, फर्स्ट लॉ। या बच्चों कुछ लोग इसको जंक्शन रूल भी बोलेंगे। कौन सा, कैसे बताऊंगा बच्चों, धीमे 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 हर चीज को खत्म करेंगे, है ना, जंक्शन रूल्स होता है। और क्रिचॉफ करंट लॉ भी बोलते हैं उसको। और क्या बोलते हैं बच्चों, क्रिचॉफ, है ना, करंट लॉ। बच्चों कुछ KCL भी बोलते, क्रिचॉफ करंट लॉ, KCL। ओके, क्या लॉ है सर इसमें, है क्या लॉ? कुछ नहीं बच्चों, सिंपल सा एक सेंटेंस लिख के दूंगा, ध्यान में रखना है। इसको लिखते हैं समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0। समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0, इसका मतलब यह है बच्चों, इसका जो लॉ है वो अलजेब्रिक ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना, अल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कैसे लिखेंगे, दी, है ना, अल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो, अल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट एनी जंक्शन, एट एनी, पहले समझ लो बच्चों, पहले लिख लो अच्छे तरह से, अल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट एनी जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 0, है ना, एट एनी जंक्शन इज ऑलवेज, है ना, एट एनी जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही बच्चों? देखो ये सिंबल अल्जेब्रिक, ये है इलेक्ट्रिक करंट एट एनी जंक्शन, कोई भी जंक्शन, इज इक्वल टू 0। बस बच्चों जो लिखा है वही मैंने फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा है, अल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट एनी जंक्शन इज 0। ये लॉ कैसे बेसिस पे करता है बच्चों, तो मैं आप लोगों को यहां पे धीमे धीमे समझ दूंगा कि क्या होता है और क्या नहीं। यहां पे देखो बच्चों, यहां पे सिंपल सी बात है कि एक जंक्शन लिया, ये रेलवे जंक्शन होता है, पता है, ट्रेन आती है जाती है, ट्रेन आती है जाती है। वैसे बच्चों देखो, ये करंट आ रहा है तो इसको नाम देंगे I1, ये करंट जा रहा है इसको I2 नाम दे रहे, ये करंट अंदर आ रहा है I3 नाम देंगे, ये करंट बाहर जा रहा है इसको I4, और ये करंट अंदर आ रहा है उसको I5। देखो इस जंक्शन में करंट रुकता नहीं है यार, रेलवे जंक्शन होते,
वहां पे रेलवे आती है जाती है, आती है जाते। सिंपल एग्जांपल बताऊं, रियलिटी एग्जांपल, इलेक्ट्रिक बोर्ड होते हैं, अरे स्विचेस होते हैं ना हमारे घर पे, स्विचेस, स्विचेस होते हैं कि नहीं, तो मीटर से लाइट आती है उसमें, हमारे घर पे मीटर होता है, मीटर से लाइट आती है। और जैसे ये इलेक्ट्रिक बोर्ड में आने के बाद कुछ एसी का पॉइंट, कोई फैन का, लाइट का, मोबाइल का, चार्जर का पॉइंट, इसमें करंट आती है। मतलब जितनी करंट आएगी किसमें, इलेक्ट्रिक बोर्ड में, उतनी ही बाहर जाएगी, ये मतलब होगा उसका। मतलब बच्चों यहां पे जो करंट अंदर आ रही है, जो करंट अंदर आ रही है, देखो करंट फ्लोइंग टुवर्ड द जंक्शन, देखो करंट फ्लोइंग टुवर्ड द जंक्शन, है ना, अगर हो तो पॉजिटिव करंट होगा, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन देना है, जो कंडर मतलब जो करंट जंक्शन, ये जंक्शन है ना हमारा, ये जो पॉइंट है ओ, ये जंक्शन बच्चों, ये क्या हमारे लिए जंक्शन, जो जंक्शन के तरफ करंट आ रही हो उसको पॉजिटिव, है ना, जो करंट लीविंग दी जंक्शन मतलब जो करंट बाहर जा रहा है उसको बच्चों हम लोग निगेटिव साइंस, निगेटिव साइंस करंट है ऐसे बात करेंगे, है ना, समझ में आ रहा है, कोई टेंशन। चलो तो बच्चों मैं इसकी इक्वेशन लिखना चाहता हूं, यहां पे मुझे बताओ, आई वन करंट टूवर्ड द जंक्शन, जंक्शन के तरफ आ रहा है तो पॉजिटिव है कि नहीं, आई टू लिविंग मतलब बाहर जा रहा है, जंक्शन को छोड़ के जा रहा है तो माइनस आई टू, आई थ्री करंट अंदर आ रहा है, देखो अंदर जूम, अंदर जा रहा है तो ये प्लस आई थ्री, आई फोर जंक्शन से बाहर, बाहर बाहर जा रहा है बच्चों तो यहां पे माइनस आई फोर, आई फाइव अंदर जा रहा है, आई फाइव अंदर तो प्लस, इज इक्वल टू जीरो, वही तो ये है बच्चों, आई वन प्लस आई थ्री प्लस आई फाइव, ये इधर जाने के बाद माइनस का प्लस, आई टू प्लस आई फोर, बात समझ में आ रही है बच्चों, ये कौन से करंट है, आई वन अंदर आने वाला, आई थ्री भी अंदर आ रहा है, I5 भी अंदर, तो ये जो करंट है बच्चा हमारे पास यहां पे जो दिखाई दे रहे हैं, द सम ऑफ करंट इंटरिंग द जंक्शन, इसलिए द सम ऑफ करंट, है ना, एंटरिंग द जंक्शन मतलब जो करंट अंदर आ रहा है, ओके, द सम ऑफ करंट इंटरिंग द जंक्शन, और ये I2 और I5 कौन है, सम ऑफ करंट लिविंग द जंक्शन, सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन, ये जंक्शन से बाहर आ रहा है, मतलब जितना करंट अंदर आएगा उतना ही बाहर जा रहा है, इलेक्ट्रिक बोर्ड में यही काम होता है, अरे इलेक्ट्रिक बोर्ड में यही काम होता है, स्विचेस होते हैं वहां पे, जुम 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 जुम, इनसे कट 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 दबाते हैं हम लोग, है ना, स्विच ऑन ऑफ करते कि नहीं, अगर मीटर से लाइट कट कर दो उसमें कोई स्टोरेज करंट रहती है क्या, बिल्कुल नहीं, जितनी अंदर आ रही है उतनी बाहर भेज रही है, मतलब सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन, इतना ही करंट वो बाहर डाल सकता है, सम ऑफ करंट इन लीविंग द जंक्शन, बात समझ में आ रही है, कोई टेंशन, कोई टेंशन है बच्चों, समझ में आ रहा है, एक बात ध्यान में रखना, एट एनी जंक्शन, कोई भी जंक्शन हो, देखो एट एनी जंक्शन, कोई भी जंक्शन हो, तो बच्चों यहां पे ध्यान में रखना, ये जो जंक्शन होता है यहां पे, ये वेयर थ्री और मोर, वेयर एक बात ध्यान में रखें, वेयर थ्री और मोर मतलब दो या दो से ज्यादा अगर वायर हो, थ्री और मोर वायर या कंडक्टर बोलो, या वायर या कंडक्टर मीट करते हो, वहां पे जंक्शन तैयार होता है, वही, ये क्या मतलब है सर, ये क्या मतलब है, समझा दूंगा, टेंशन मत लेना बच्चों, देखो एट एनी जंक्शन कोई भी, वेयर थ्री और मोर, दो से जंक्शन नहीं बनता है, जंक्शन बनता है तीन या तीन से ज्यादा वायर मीट होना चाहिए, देखो यहां पे मीट हो रही कि नहीं, वन टू थ्री फोर फाइव हो रही कि नहीं, वैसे बच्चों देखो यहां पे हमारे पास है बैटरी, यहां पे है ये ओके, यहां पे और एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, यहां पे बच्चों और एक बैटरी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको यहां पे दिया ए बी सी डी ई एफ, बच्चों मुझे बताओ ये दो वायर है, देखो एक वायर है एक वायर,
बच्चों ऐसे के लिए बोलते हैं नोड। दिखाई तो दे रहा है बच्चों, कोई टेंशन तो नहीं है, दिखाई दे रहा है ना? ओके बच्चों, इसको नोड बोलते हैं, मतलब दो वायर मिट जाए तो नोड। ये भी नोड है बच्चों, ये भी नोड है, ये भी नोड है बच्चों। यहां पे देखो तीन वायर से, एक ये वायर, एक ये वायर, कहां से करंट जा सकता आ सकता मुझे पता नहीं, मैं बता रहा हूं कि ये बी और ई जंक्शन बच्चों, मतलब बी एंड ई इज जंक्शन है। और नोड कौन कौन है बच्चों? नोड नोड बच्चों देखो, ए दो वायर मीटर, सी डी एफ है ना, ए कॉमा सी कॉमा डी कॉमा एफ, ये नोड होंगे। नोड मतलब दो वायर जहां मीट होते हैं, और तीन या तीन से ज्यादा वायर जहां मीट होते हैं उसको जंक्शन कहा जाता है। कोई टेंशन है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बच्चों? कोई टेंशन नहीं। करंट जब अंदर आता है तब पॉजिटिव साइंस लगाना है करंट की, जब करंट बाहर जा रहा है लिविंग द जंक्शन कर रहा है तब निगेटिव साइंस। तो मैंने यहां पे दिखा दिया पॉजिटिव और निगेटिव। ये अल्जेब्रिक सम देखो, सम किए, सबके सम किए बच्चों, मैंने इज इक्वल टू जीरो दिखाया, तो प्लस वाले एक तरफ माइनस वाले इधर गए तो प्लस होंगे। तो सम ऑफ करंट एक बोल सकते, ऐसे भी कोई कोई बुक्स में ऐसे बोलते हैं, सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लिविंग द जंक्शन, इक्वल टू होगा बच्चों करंट। इसका मतलब, मतलब जितना करंट आएगा उतना बाहर जाएगा है ना, जितना करंट आएगा किसमें, इलेक्ट्रिक बोर्ड में, उतना ही बाहर जाएगा। इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग करंट लॉ। जंक्शन इसलिए लॉ बताया, और इसको करंट लॉ या फर्स्ट लॉ बोल सकते हैं। इसके कुछ छोटे छोटे एग्जांपल लेना है बच्चों हम लोगों को, छोटे छोटे, ज्यादा टेंशन नहीं, मिटा रहा हूं मैं। ओके देखो, यहां पे ये वायर है, बाहर करंट जा रहा है, यहां से एक करंट आ गया बच्चों 3 एम्पियर, कुछ भी बोले यार, यहां से जो करंट आ रहा है ये 4 एम्पियर आ रहा है। आपको पूछा ये करंट कितना होगा, तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, ऐसे बोलेंगे ना। देखो इनकमिंग करंट कितना है, 3 + 4 इज इक्वल टू आई, मतलब यहां 7 एम्पियर करंट होगा, बस बराबर है ना। तो ये 7 एम्पियर, जितना करंट अंदर आ रहा है उतना ही बाहर, मतलब आई की वैल्यू 7 मिल रही। ओके कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद में बच्चे एक छोटा सा और एक एग्जांपल लेंगे, और एक एग्जांपल, ऐसे एग्जांपल देते बच्चों एमसीक्यूज के लिए, हो सकता है ऐसे देते हैं, ऐसे 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 बाद में ऐसे बाद में ऐसे करके ऐसे एग्जांपल दिया था, ऐसे आई थिंक ऐसे कुछ ठीक है। इसमें आ रहा है 3 एम्पियर, इसमें आ रहा है 2 एम्पियर, इसमें जा रहा था 1 एम्पियर, ओके इसमें 1.7 जा रहा है, तो इसमें से करंट कितना जाएगा, तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउट इनकमिंग 3 + 2, आउटगोइंग ये सभी आउट है 1 + 1.7 + i, ये 5 बच्चों, ये है 2.7, बात समझ में आ रही ना, दोनों की एडिशन i, तो 5 में से 2.7 गए इधर जाने के बाद माइनस i, तो i इज इक्वल टू बच्चों है ना यहां पे कितने 1.3 या 2.3 एम्पियर करंट, मतलब बच्चों इसमें से 2.3 एम्पियर करंट, ऐसे एमसीक्यूज आने के चांसेस है, ऐसा एमसीक्यूज आने के चांसेस है बच्चों। और कभी कभी बच्चों करंट अगर हमको निगेटिव डायरेक्शन मिलेगा, होगा ऐसा भी कोई एग्जांपल, तो बात समझना बच्चों, हम जो डायरेक्शन मान रहे हैं ये डायरेक्शन नहीं, तो पूछेगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन दे दो, हो सकता है ऐसा भी एग्जांपल आ जाए, तो ध्यान में रखना है, बताऊंगा मैं। चलो इसके बाद में और एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे बच्चों, कि जो एग्जांपल आपके बहुत काम आए, ठीक है ठीक है। चलो तो एक रेजिस्टेंस है, ये पॉजिटिव हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, इसमें से 3 एम्पियर करंट आ रहा है, ऊपर से भी कुछ करंट आ रहा है, ये जो आ रहा है 4 एम्पियर करंट है बच्चों। यहां पे एक रेजिस्टेंस लिया है मैंने, एक बैटरी ली है, पॉजिटिव निगेटिव जो भी मानना है, यहां से 2 एम्पियर इतना करंट जा रहा है, और यहां पे एक रेजिस्टेंस है, तो यहां से करंट कितना जाएगा ये मेरे पास सवाल है। तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, इनकमिंग इज इक्वल टू लिविंग है ना, इनकमिंग कितना है, इनकमिंग कितनी है हमारी इनकमिंग, तो 3 + 4 है, देखो दोनों अंदर आ रहे, इज इक्वल टू 2 + i, तो ये 7,
ये 2 प्लस आई, तो आई इज इक्वल टू 7 माइनस 2, तो आई इज इक्वल टू 5 एम्पियर इतना करंट होगा बाहर जाने वाला, वही ये 5 एम्पियर। कभी कभी बच्चों मैंने बोला ना निगेटिव भी आंसर हो सकता है, कैसे समझो, इसको मैंने माना है कि 10 मानो, कुछ भी मानो 10, देखो आएगा कि नहीं, 2 के जगह पे 10, देखो इनकमिंग करंट ये है आउटगोइंग ये, ओके मतलब यहां पे 10, अगर 10 माइनस करोगे तो I इज इक्वल टू माइनस 3 एम्पियर, आ रहा है कि नहीं आंसर बाहर, माइनस आंसर मिल रहा है कि नहीं बच्चों I का करंट, मतलब बच्चों हमने जो डायरेक्शन माना है बाहर वाला नहीं है, वो अंदर वाला है, ऐसे अंदर जा रही है करंट और वो जा रही है 3 एम्पियर, ये डायरेक्शन उल्टा माना है हमने, ये भी कभी कभी हो सकता है, ध्यान में रखना है, कोई टेंशन बच्चों। बच्चों यहां पे एक प्रिंसिपल लागू होगा, कौन सा प्रिंसिपल लागू होगा, जैसे कि हम बोलते हैं ना जितना इनकमिंग आ रहा उतना आउटगोइंग जा रहा है, मतलब इनकमिंग आना और बाहर जाना, अरे इनकमिंग आ रहा और बाहर जाना करंट, करंट मतलब क्या, फ्लो ऑफ चार्ज, जितने चार्जेस अंदर आ रहे उतने बाहर जा रहे, कोई लॉस हो रहा नहीं है, कोई लॉस नहीं है, ऐसे लॉ को बच्चों हम लोग प्रिंसिपल कौन सा होगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलेंगे, ये जो प्रिंसिपल है बच्चों यहां पे प्रिंसिपल ऑफ लगा सकते हैं, मतलब ये जो किरचॉफ लॉ है ये है कौन सा, फर्स्ट लॉ, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस हो रहे, क्यों पता है ना, ये जो करंट है बच्चों जितना करंट अंदर आ रहा था उतना बाहर, करंट मतलब कौन, चार्ज, जितना चार्ज अंदर आ रहा उतना ही बाहर, कोई लॉस नहीं हो रहा है, इसलिए बच्चों बोल सकते हैं यहां पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसके ऊपर बच्चों एमसीक्यूज आने के चांसेस होते हैं, जो एमसीक्यूज होता है ना हमारा वो आने के ज्यादा चांसेस है, तो इसके ऊपर ध्यान देना है, कोई टेंशन बनना आएगी बच्चों, समझ में आ रहा है सबको, सबकी हालत बुरी हो रही है क्या अच्छी है, अच्छी हालत है, चलो तो मैं बढ़ने जा रहा हूं बच्चों आगे यहां पे, तो हम लोग देखने वाले आप नेक्स्ट जो किरचॉफ लॉ है, सेकंड किरचॉफ लॉ, ये फर्स्ट लॉ था, फर्स्ट लॉ को हमने जंक्शन रूल्स या जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं बच्चों इसको करंट केसीएल किरचॉफ करंट लॉ, बढ़ना आगे कोई टेंशन तो दे दो अटेंशन, कोई नहीं होगा अटेंशन तो देना पड़ेगा फिर आपको अटेंशन तो दे देंगे, चलो तो किरचॉफ सेकंड लॉ बच्चों बात कर रहा हूं अभी, किरचॉफ्स है ना सेकंड लॉ, किसी किसी को बोल सकते बच्चों, कोई कोई लोग लूप्स लॉ भी बोलते, लूप्स लॉ है ना, यहां पे लूप्स रूल बोल सकते हैं लॉ, और बोल सकते इसको किरचॉफ वोल्टेज लॉ, उसी को केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ, बढ़ना आगे कोई टेंशन बढ़ना आएगा, ओके उसके बाद में बात करेंगे बच्चों हम लोग कि ये लॉ क्या होना चाहिए, ठीक है, मैं सिंपल यहां पे फार्मूले के हिसाब से समझा दूंगा बच्चों, समेशन ऑफ आई आर प्लस समेशन ऑफ ई इज इक्वल टू जीरो, ओके ऐसे लिख सकते हैं, अच्छा कुछ लोग ऐसे लिखते होंगे तो मुझे कोई लेना देना नहीं है, डेल वी प्लस समेशन ऑफ ई इज इक्वल टू जीरो, अरे वी इज इक्वल टू आयर, ओम्स लॉ है ना, दोनों का मतलब एक ही है, क्या लिख सकते बच्चों इस लॉ को, है ना ये क्लोज लूप लॉ है, लेकिन है ना द अल्जेब्रिक सम ऑफ, ऐसे लिख सकते द अल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस एंड कौन ईएमएफ इन क्लोज लूप, इन क्लोज लूप में, मतलब बच्चों क्लोज लूप हो तो ही हम लोग ये लॉ इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, ठीक है ना, ये दिखाई नहीं दे रहा क्या, अल जब है ना अल्जेब्रिक, द अल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है एंड ईएमएफ को ऐड कर दो दोनों की, है ना इन क्लोज लूप इज इक्वल टू जीरो है, लिखा दे रहा है इज इक्वल टू जीरो है, अच्छा ये लॉ है
ना, मतलब अल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों की सम करो तो जीरो मिलता है। लेकिन क्लोज लूप होना बहुत जरूरी, इसको हम लोग ने नहीं बताया कि लूप्स लॉ है या क्रिचॉफ केवीएल लॉ है या क्रिचॉफ सेकंड लॉ, ऐसे बोल रहे। सर इसका मतलब क्या है यह समझना बहुत जरूरी बच्चों, ध्यान में रखना है। जब भी हम लोग पोटेंशियल गेन करेंगे, मैं अभी लॉ पढ़ा रहा नहीं, कॉन्सेप्ट दे रहा हूं बच्चों, ध्यान में रखना, अगर आपने पोटेंशियल गेन किया हो तो पॉजिटिव साइंस, अगर आपने पोटेंशियल ड्रॉप किया हो तो निगेटिव साइंस इस्तेमाल करो, एक बात ध्यान में रखना। ये मतलब बच्चों यहां पे ये क्लोज लूप है, कौन सा क्लोज लूप के लिए है ना, ये कौन सा लूप है बच्चों, क्लोज लूप रहा। तो हो सकता है यहां पे पॉजिटिव निगेटिव वी वन प्लस माइनस वी टू प्लस माइनस डैश वी एन इज इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। मतलब हो सकता है गेन हो सकता है ड्रॉप हो सकता है प्लस साइन हो सकती है माइनस, प्लस माइनस ऐसे, और हम लोग सम कर सकते हैं, सम करना है हम लोगों को, इज इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं, कोई टेंशन बच्चों। मतलब इस लॉ में जैसे एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा बच्चों, ये पॉजिटिव निगेटिव, यहां पे हमारे पास ये जुम जुम जुमा जुम जुम जुमा जुम ए बी सी डी, ठीक है बच्चों। यहां पे आपको क्लोज लूप ऐसे आना है, मतलब जहां से गए वहीं वापस। दिन भर कहीं भटकता है इधर उधर, इसके पीछे उसके पीछे घूमते हैं ना सब लोग, मतलब हमने घूमते हैं, आप स्टूडेंट लोग एग्जाम आए घूमना बंद कर दो है ना, ए से बी, बी से सी, सी से डी, वापस अपने घर पे, दिन भर कॉलेज में इसके उसके पीछे, बाद में अपने घर पे, जहां से मॉर्निंग गए थे वहीं वापस। यही लूप्स लॉ है बच्चों, यही लूप्स लॉ है। मतलब यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस बोला आपको, तो वी ए माइनस वी ए जहां से गया तो जीरो मिलेगा, अरे जहां गए थे वहीं से पोटेंशियल डिफरेंस जीरो मिलेगा कि नहीं मिलेगा क्लोज लूप में, समझ में आ रहा है बच्चों। एक बात बताऊंगा बच्चों, यहां पे वर्क हो रहा है, हो रहा है कि नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, जहां पे गए वहीं पे, क्योंकि वर्क मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और वहीं डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट जीरो, अरे डिस्प्लेसमेंट जीरो क्यों सर, जहां गए थे वापस वहीं आ गए। तो बच्चों ये जो प्रिंसिपल है, जैसे पहले कौन सा था, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, यहां पे जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हो रही है एनर्जी, अरे वर्क कुछ भी नहीं हो रहा है ना, वर्क मतलब एनर्जी, वर्क इन द फॉर्म एनर्जी, मतलब यहां पे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, क्यों बच्चों, जहां से वहीं आ रहे, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस है। एक्चुअल में पोटेंशियल का फॉर्मूला है ना अपने पास, वर्क अपॉन चार्ज, तो वर्क इज इक्वल टू क्या हो रहा है, पोटेंशियल इंटू चार्ज, पोटेंशियल जीरो मिल रहा है, क्यों, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, क्यों, कहीं की वहीं के वहीं आ गए वापस, समझ में आ रहा है बच्चों। तो यहां पे एनर्जी कंजर्व हो रही है, एनर्जी कंजर्व हो रही है, समझ में आ रहा है बच्चों। अभी तो हम लोग अभी तक पहुंच नहीं गए हैं, खाली लॉ बता दिया हमने, अल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ इन क्लोज लूप इज इक्वल टू जीरो, पोटेंशियल गेन हुआ तो पॉजिटिव, ड्रॉप हुआ तो निगेटिव, क्लोज लूप में ये कहानी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है, समझ में आ रहा है, बढ़ना आगे बच्चों, कोई टेंशन, अरे कोई टेंशन है, बढ़ना आगे। चलो हाउ टू अप्लाई द क्रिचॉफ्स लॉ, हाउ टू अप्लाई, कैसे करेंगे क्रिचॉफ्स लॉ को अप्लाई, है ना, अल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ इज इक्वल टू जीरो, भूलना मत इस लॉ को, भूलना मत बच्चों, क्योंकि लॉ के ऊपर ही है हम लोग चल रहे हैं अभी, है कि नहीं, इसी लॉ के ऊपर। तो देखने वाले आगे, धीमे धीमे हो रहा क्या, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, बोलना सर कुछ नहीं, एग्जाम की पढ़ाई करो। चलो तो हाउ टू अप्लाई क्रिचॉफ्स लॉ क्या देखेंगे बच्चों, हाउ टू अप्लाई कौन सा क्रिचॉफ लॉ, लॉ को कैसे अप्लाई करना है, करना है बच्चों, सबसे पहले देखो, ड्रॉ द करंट वन और मोर फॉलो केसीएल, है ना, ड्रॉ दी करंट वन या मोर करता है, तो फॉलो करना है, फॉलो दी केसीएल लॉ करना है,
कौन सा लॉ करना है? केसी लॉ फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, किसके लिए? फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट के लिए। मतलब बच्चों देखो, यहां पे हमारे पास ये ड्रॉ द करंट कर रहा है, या वन और मोर अगर यहां पे ब्रांचेस आती है तो फॉलो द किरचॉफ्स लॉ, जैसे कि ये जा रहा है, ये जा रहा है, इसको नाम दे दो बच्चों आई, ये करंट है आई वन, आपको आई टू करंट पूछा तो कितना होगा बच्चों? तो ये आई माइनस आई वन होगा। बात समझ में आ रही है ना? ड्रॉ द करंट वन और मोर पाथ में होता तो फॉलो द केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ, पहले लॉ करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चूजिंग द लूप दूसरा है, क्या करना है? चूजिंग द लूप, लूप को हमको चूज करना पड़ेगा, लूप को क्या करना बच्चों हमको? शुड बी क्लोज लूप होना बहुत जरूरी इसमें, क्या? शुड बी क्लोज लूप, या लूप्स भी हो सकते हैं, एक नहीं बहुत भी हो सकते, ज्यादा भी हो सकते, लूप्स भी हो सकते हैं, एक क्या ज्यादा हो सकते, ठीक है, समझ में आ रहा है। कैन इन्वॉल्व एनी नंबर, देखो कैन इन्वॉल्व एनी नंबर ऑफ, हो सकता है रजिस्टर हो सकता है बच्चों कैपेसिटर हो सकता है सेल हो, एक्सेट्रा, ऐसे कंपोनेंट बीच में आ सकते हैं, तो वो लूप्स कितने बनते क्या बनते उसको देखना पड़ेगा। डायरेक्शन ऑफ लूप बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों इसमें, थर्ड कहानी जो है देखो, डायरेक्शन ऑफ लूप, बात समझ में आ रही है? पहले समझ में आ गए, जो करंट होगा एक या दो ब्रांचेस होते तो केसीएल लॉ इस्तेमाल करो, क्लोज चूजिंग लूप, शुड बी क्लोज लूप होना बहुत जरूरी है, क्लोज लूप ना हो तो किरचॉफ्स लॉ हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। सेकंड लॉ, क्या इन्वॉल्व हो सकते हैं उसमें रेजिस्टेंस हो, कैपेसिटर हो, इंडक्टर हो, जो भी डिवाइस है वो, एक्सेट्रा। डायरेक्शन ऑफ लूप, डायरेक्शन ऑफ लूप या हम लोग बोलते हैं पाथ बच्चों, पाथ, ठीक है। तो बच्चों ये हो सकती है क्लॉकवाइज हो, क्लॉकवाइज हो सकती है, या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, कोई भी चूज कर सकते हैं, ठीक है ना, क्लॉकवाइज हो सकती है या एंटी क्लॉकवाइज। दो लूप इन सेम क्वेश्चन में हो तो टेक अब लोग क्लॉकवाइज लो या एंटी क्लॉकवाइज, जैसे कि देखो यहां पे यू जूम जूम, ये जूम, ये कुछ भी ले लो, बस अपने को क्या लेना देना, तो ले सकते हो क्लॉकवाइज। अदरवाइज बच्चों यही कहानी में जूम 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 जूम, तो या आप एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, इसमें कोई टेंशन नहीं, ठीक है। क्लॉकवाइज दोनों में भी क्लॉकवाइज ले सकते हो अगर कॉम्बिनेशन हो, या दोनों में एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हो, हो सकता है एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, या आपकी मर्जी। बात समझ में आ रही है? मतलब एक ही सर्किट में दो या दो से ज्यादा लूप हो, ऐसी कहानियां आने वाली है, अगला वही न्यूमेरिकल लूंगा या अगला क्वेश्चन लेंगे आप, क्या बोल रहा हूं, एक या एक से ज्यादा लूप हो तो उसमें आप लोग क्लॉकवाइज ले सकते हो, दोनों भी समझो दो लूप से, तो दोनों क्लॉकवाइज या दोनों एंटी क्लॉकवाइज, या एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज भी डायरेक्शन ले सकते हो। ये हाउ टू अप्लाई आपको आना चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वही पॉइंट हमको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना है, लूप्स होना बहुत जरूरी है, डायरेक्शन आपकी मर्जी, डायरेक्शन आपकी मर्जी होना चाहिए। और चौथा जो रूल से इज वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसके बिना हम कुछ भी कर नहीं पाएंगे, करना है फिर ओके। चलो बच्चों तो हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, सबसे पहले ध्यान में रखना बच्चों पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल गेन, बहुत पॉइंट कौन सा है, पोटेंशियल है ना, या ड्रॉप बोलो या है ना, ड्रॉप और पोटेंशियल गेन, बात समझ में, पोटेंशियल तो ड्रॉप हो सकता है या गेन हो सकता है बच्चों ओके। एक बात ध्यान में रखना है, कुछ बातें बताऊंगा मैं आपको, पहले सबसे पहले हायर पोटेंशियल कौन सा, हायर पोटेंशियल से अगर आप लोग लोअर पोटेंशियल की तरफ जाते हो, क्या बता रहा हूं बच्चों, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जा रहे हो तो पोटेंशियल ड्रॉप करना है, बताऊंगा बच्चों आपको समझ में, पोटेंशियल ड्रॉप होगा,
ये कहानी सबको समझ दूंगा बच्चों जब मैं यहां पे कुछ इक्वेशन लिखूंगा या कुछ डायग्राम ड्रॉ करूंगा, तब आपको ये बात सब कुछ समझ में आएगी। तब बच्चों यहां पे पोटेंशियल जो है हमारा वो निगेटिव होगा, क्योंकि बच्चों हायर से लोअर जा रहा हो ना, कम होता होगा इसलिए जाता होगा। अरे हायर से लोअर, लो हो रहा है तो निगेटिव। बच्चों इसका मतलब हायर से हम कैसे जा रहे हैं, लोअर। नंबर वन बात। नंबर सेकंड बात बच्चों देखो, उसको उल्टा करेंगे, लोअर पोटेंशियल टू कौन सा, हायर, हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। क्या हो रहा है बच्चों, लोअर से हायर मतलब ऊपर जा रहे, ज्यादा कर रहा हूं, तो पोटेंशियल यहां क्या हो सकता है बताओ, पोटेंशियल बच्चों यहां पे गेन कर रहा है, इसका मतलब अरे हायर की तरफ जा रहा मतलब गेन, मतलब जो पोटेंशियल चेंज हो रहा है वो पॉजिटिव साइंस आएगा, मतलब ये लोअर से हायर, दोनों चीजें समझ में आ गई। हायर से लोअर जा रहे मतलब कम होना, ड्रॉप होना, इसलिए निगेटिव साइंस, हायर से लोअर, लोअर टू हायर मतलब गेन कर रहा हूं, हायर की तरफ जा रहा मतलब कुछ मिल रहा है मुझे, तो गेन हो गया मतलब पॉजिटिव साइंस। जब बच्चों हमारे पास सेल होता है, जब हमारे पास सेल होता है, जैसे कि ये सेल है, सेल में समझो ये पॉजिटिव ये निगेटिव है, निगेटिव साइंस ये पॉजिटिव, इसका मतलब ये हायर है और निगेटिव मतलब लोअर है। अगर मेरी जाने की पात ये हो, ये पात है मेरी, बात समझ में आ रही है बच्चों, ये ईएमएफ है, तो बच्चों कहां से कहां जा रहा हूं, हायर से लोअर, हायर से लोअर, तब हमारा बच्चों यहां पे जो पोटेंशियल मिल रहा होगा, ये ईएमएफ बोला है मैंने इसको, तो माइनस ई मिलेगा। कोई टेंशन है ना, ये जो पोटेंशियल है ये माइनस ई मिल रहा है, पोटेंशियल बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस ई मिल रहा है, ईएमएफ माइनस मिल रहा है, क्यों, हायर से लोअर, पोटेंशियल ड्रॉप मतलब साइन निगेटिव। दूसरी कहानी, यहां पे वही ये लो ये हाई, मतलब ये हाई ये लो, मेरी जाने वाली पाथ बच्चों देखो ये है, कहां जा रहा बच्चों, लोअर से हायर, ये पाथ देखो कहां से जा रहा बच्चों, लोअर से हायर, मतलब जो पोटेंशियल मिलेगा बच्चों वो मुझे पॉजिटिव ही मिलेगा, मतलब ये मैं पॉजिटिव मिल रहा है, बात समझ में आ रही, लोअर से हायर पॉजिटिव, हायर से लोअर निगेटिव। चलो वही कहानी बच्चों हमारे लिए रजिस्टर के लिए, रजिस्टर में देखो जुम 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 जुम, ये है मेरे पास करंट। सबसे पहले क्वेश्चन पूछूंगा बच्चों, ये कहानी समझने में इजी, इसमें बहुत सारे बच्चों कंफ्यूज होते हैं, ये रेजिस्टेंस है हमारा, मुझे बता बच्चों करंट कहां से कहां फ्लो होता है, हायर टू लोअर मतलब करंट इधर जा रहा है मतलब हायर से कहां जाता है करंट, लोअर जाता है कि नहीं जाता है। अगर मेरा डायरेक्शन जाने वाला ये हो, हायर से जा रहा हूं लोअर, हायर से लोअर, साइन कौन सी बच्चों, साइन कौन सी होगी, और यहां पे ओम्स लॉ, माइनस आर क्या प्लस आर, हायर से लोअर, हायर से लोअर, हायर से लोअर, पोटेंशियल ड्रॉप निगेटिव, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट बच्चों वही कहानी है, करंट वही है मतलब हायर से करंट कहां जा रहा है, लोअर जा रहा है, मेरी जाने वाले पाथ का डायरेक्शन चेंज हो गया, मैं जा रहा हूं लोअर से हायर, लोअर से हायर, पोटेंशियल ड्रॉप यहां पे गेन कर रहा हूं बच्चों, तो आई आर लिख सकता हूं, और इसमें से जो करंट जा रहा है उसको कैपिटल आई बोलो, क्योंकि मैंने कैपिटल आई लिखा है, बात समझ में आ रही बच्चों, समझ में आ रहा है। या ऐसे भी बोल सकते हो करंट का और हमारा डायरेक्शन सेम, निगेटिव साइंस, करंट का और हमारा डायरेक्शन अपोजिट। दूसरी बात और एक देखो, हम कहां से बच्चों कहां जा रहे हैं, निगेटिव की तरफ, निगेटिव लगा, हम कहां जा रहे हैं, हमारी पाथ है ना, हमने मानी है पॉजिटिव की तरफ, तो पॉजिटिव सेल में कैसे ध्यान में रखना है, हमारा जाने का जो डायरेक्शन है वो किसके तरफ है, सिंपल सी एक ट्रिक्स बता रहा हूं, हमारा जाने का जो वे है किस तरफ जा रहे हैं, निगेटिव की तरफ, निगेटिव, किस तरफ जा रहा हूं, पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव, और इसमें रेजिस्टेंस में उल्टा लगाना है, उल्टा अपोजिट, कैसे, मेरी और उसकी पाथ सेम, निगेटिव, मेरी और उसकी पाथ अपोजिट, तो पॉजिटिव, समझ में आ रहा है बच्चों, कोई टेंशन, कोई टेंशन, क्या एग्जांपल लेके आपको ये प्रूफ करके देना है,
क्या आप लोग श्योर है? चलो तो इस चीजों को सबको मिटा रहा हूं बच्चों मैं, और उसको करूंगा मैं एक्सप्लेन अब। चलो अब हम लोग एक डायग्राम निकालेंगे और एक क्रिचर्स लॉ को लगा लगा के हम लोग किसी का इक्वेशन निकालेंगे। बहुत मजा आएगा फिर, है ना? हमारा लॉजिक चेक करने वाले हैं हम लोग अब कि सही में आप लोग कितना कॉन्सेंट्रेशन कर रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, क्या हाँ में हाँ बता रहे हो। चलो तो हम लोग यही कहानी अब को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले ये जूम पॉजिटिव निगेटिव, इधर गए तो निगेटिव डायरेक्शन, पता है ना? ये जूम जूम, ये पॉजिटिव ना, बड़ा वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव की तरफ तो पॉजिटिव। ये रेजिस्टेंस मेरा और उसका जाने का डायरेक्शन सेम, तो निगेटिव। ये रेजिस्टेंस, इसमें करंट ये, मेरा और उसका डायरेक्शन अपोजिट, पॉजिटिव। इतनी चीजें ध्यान में रखना है ना। बढ़ना है चीजें, आगे बढ़ना है बच्चों। क्या डायग्राम ड्रॉ करूं? करना है स्टार्ट। चलो आपको दिखाई तो दे रहा है ना, ये एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ, जुम 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 जुमा, ये एक और जुम 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 जुमा, ये यहाँ से एक निकालो, ये एक सेल यहाँ एक निकालो, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस, ये खींच दो बस, ज़्यादा देखो ये पॉजिटिव निगेटिव, इसको ईएमएफ E1, इसका रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4, E2, R5, ये पॉजिटिव निगेटिव। क्या बच्चों E1 से एक करंट फ्लो होता होगा, इस बैटरी से करंट फ्लो होगा कि नहीं? इसका नाम है या I1 बोलो, कैपिटल I1 अच्छा लग रहा है मुझे। ये इस सेल में से जो करंट निकल रहा है ये I2 है, यहाँ पे आने के बाद दोनों I1 I2 मीट हो रहे और इसमें से फ्लो रहे I1 प्लस I2। बाद में दोनों सेल से मैं समझना, तो ये पॉजिटिव से निगेटिव, तो यहाँ पे आएगा हमारा करंट I2। अरे जो करंट निकल रहा है पॉजिटिव से निगेटिव, है ना, वही करंट आता है ना पॉजिटिव, लूप कंप्लीट होना चाहिए। ये भी जूम 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 I1 करंट, बात समझ में आ रही बच्चों? E1 में से जो दिखाई तो दे रहा है, नहीं तो बस मैं तो पढ़ाने जा रहा हूं लेकिन दिखना भी बहुत जरूरी है। ये सेल 1 से जो करंट है I1 बोलो, सेल 2 से जो करंट है उसको I2 बोला है। ओके, नाम देना है बच्चों, कुछ भी नाम दे दो ना, आपकी मर्जी। देखो उसको नाम देंगे ए, एक ये बी, ये सी, डी, ये ई, ये एफ। एक लूप दिखाई दे रहा है, लूप्स लॉ इस्तेमाल करना है, सेकंड लॉ, क्योंकि हमको कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिख रहा है तो होता नहीं है, इजी होता है, कोई टेंशन नहीं। तो लूप का नाम है बच्चों मेरे पास ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, दोबारा ए। लूप्स कंप्लीट करना है, जहां से गए वही घर पे आना है। चलो बच्चों ए से बी जाना है, ए से बी दिखाई दे रहा है बच्चों, ए से बी, ए से बी, देखो ए से बी, ए से बी देखो, मेरा डायरेक्शन और उसका सेम है। अब वो मत लगाना, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल मत लगाना, सिंपल सी बात है, यहां देख लेना दोनों का डायरेक्शन सेम, पाथ का और करंट का डायरेक्शन सब निगेटिव, निगेटिव सेम, कौन है करंट मल्टीप्लाई, करंट कौन है I1, रेजिस्टेंस कौन से R2, दिखाई दे रहा ना पोटेंशियल IR। बी से सी जाओ, बी से सी जाओ, देखो करंट ऊपर मेरी पाथ नीचे, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट पॉजिटिव साइंस, करंट कौन सा है बच्चों यहां पे I2, रेजिस्टेंस R4। ओके, सी से डी, सी से डी पहले ईएमएफ लगा है, पहले ईएमएफ कहां जा रहे बच्चों, लोअर से सॉरी हायर से लोअर, लोअर है तो माइनस, देखो हायर से लोअर माइनस, माइनस जो ईएमएफ है वो E2 है, बात समझ में आ रही है? उसके बाद में रेजिस्टेंस भी लगाया बच्चों, देखो ये मेरा और उसका डायरेक्शन अपोजिट, मेरा और मतलब, मेरा मतलब करंट का और मेरी पाथ है, पाथ का दोनों का अपोजिट, तो प्लस करंट है I2 और रेजिस्टेंस है R5। डी से ई कुछ भी नहीं है बच्चों, क्यों लगा है, कोई कंपोनेंट ही नहीं ना। ई से एफ भी कुछ नहीं है, चलो एफ से ए जाना है, तो पहले ये मेरा और उसका डायरेक्शन सेम, मेरा और पाथ का डायरेक्शन सेम, करंट का तो निगेटिव,
करंट है आई वन, रजिस्टेंस है आर वन। यहां पे ईएमएफ लोअर से हायर, लोअर से हायर, तो हायर ई वन इज इक्वल टू जीरो। पता है ना बच्चों, मैंने लिखा था समेशन ऑफ आई आर प्लस समेशन ऑफ ई इज इक्वल टू जीरो, लेकिन ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड होता है कि नहीं? समझ में आ रहा है? कोई टेंशन नहीं है। मैंने लूप, लोग कुछ मानते होंगे ए एफ ई डी सी बी ए, ये भी डायरेक्शन मान सकते हैं, ये भी लूप मान सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको अच्छे, ये हो गया सही में, लेकिन क्या उसको रीअरेंज किया तो अच्छा लगेगा बच्चों? रीअरेंज अच्छा अच्छा देखने के लिए तो करते हैं हम लोग, कपड़े पहनते हैं है ना, बाल अच्छे बनाते हैं, सेंट मारते हैं, कपड़े अच्छे पहनना, शूज अच्छा पहनना है ना। तो ई वन इधर आएगा, ये ई वाले एक टर्म जगह पे, देखो इसके साइन के साथ, इसका पॉजिटिव था इसका निगेटिव, ओके क्या कॉमन निकल सकता है? आई वन, देखो ये आई वन है, ये आई वन है, तो मैं निकाल सकता हूं बच्चों माइनस आई वन, बचा है मेरे पास आर वन प्लस आर टू। देखो आई वन आर वन माइनस, देखो ये मिल रहा है माइनस आई वन आर टू, मिल रहा है कि नहीं? तो अच्छा लगता है आर वन प्लस आर टू, आर टू प्लस आर वन अच्छा नहीं लगता ना, बस इसलिए कर रहा हूं आई टू आई टू। चलो तो दोनों प्लस है इसलिए आई टू, बचा है आर फोर प्लस आर फाइव, आर फोर प्लस आर फाइव इज इक्वल टू जीरो। अच्छा लग रहा है, बाकी दूसरा कोई रीजन नहीं बच्चों, कोई लॉजिक नहीं इसमें, लिखने के लिए अच्छा ई वन माइनस ई टू माइनस आई वन ब्रैकेट में आर वन प्लस आर टू प्लस आई टू, अच्छा पढ़ने में अच्छा लग रहा है। देखो आर वन आर टू आर फोर आर फाइव अच्छा लगता है, बस बाकी कुछ नहीं। दूसरा एक लूप मान रहा बच्चों, देखो और लूप है इसमें, इसका नाम दे देंगे पहले, देखो ये ए बी ई एफ, कोई भी लूप ले लेना ए बी ई एफ ए, बात समझ में आ रही? ऊपर वाला लूप ये जूम, इतना वाला लूप ऊपर वाला, लो लो ए से बी जाओ, ए से बी, ए से बी, देखो इसका डायरेक्शन सेम, मतलब बच्चों माइनस सेम डायरेक्शन हो रेजिस्टेंस का और मेरे पथ का माइनस। करंट है बच्चों आई वन मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस आर टू। बी से ई जाना है, बी से ई, बी से ई, अरे मेरा और उसका डायरेक्शन सेम तो निगेटिव साइंस। करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस, करंट से आई वन प्लस आई टू मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस है आर थ्री, ओके बी से ई के, ई से एफ कुछ भी नहीं है, बाद में एफ से ए, पहले करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस, दोनों का डायरेक्शन सेम, देखो मेरा पाथ का और करंट का डायरेक्शन सेम, तो आई वन आर वन, यहां पे हायर लोअर टू हायर ईएमएफ, तो प्लस ई वन इज इक्वल टू जीरो। बात समझ में आ रही है? अरे लूप में कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है? समझ में आ रहा है क्या? ओके लेकिन हायर टू लोअर भी जाना चाहते हो तो वो भी, वो कंसेप्ट हर टाइम समय लगाना पॉसिबल नहीं, इसलिए चारों चीज, ये सेल के लिए, ये सेल के लिए लिखा, और ये है ना रजिस्टर के लिए, तो ये दोनों बात ध्यान में रखना है, बस रीअरेंज करना है बच्चों, रीअरेंज। चलो ई वन को इधर लाओ, माइनस आई वन आर टू, माइनस इसको सॉल्व कर रहा हूं आई वन आर थ्री, यहां पे माइनस आई टू आर थ्री, बात समझ में आ रही बच्चों? ये माइनस है इसलिए माइनस लगा रहा हूं, माइनस आई वन आर वन इज इक्वल टू जीरो। ई वन को इधर लिखा था, समझ में आ रहा है? चलो ई वन, ओके आई वन को कॉमन निकालना, देखो वन टू थ्री, चलो माइनस आई वन कॉमन निकालेंगे ब्रैकेट में, देखो आर वन आर टू आर थ्री तीनों है इसलिए आर वन आर टू प्लस आर थ्री, बात समझ में आ रही है? क्यों लिख रहा हूं सीरीज में अच्छा लगता है ना आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री पढ़ने में, देखो माइनस आता कि नहीं, माइनस आई वन आर वन है, माइनस आई वन आर टू है, माइनस आई थ्री आर थ्री भी है, बचा ये इसके साथ कोई नहीं बिचारे के साथ, तो रहने दो इसको इज इक्वल टू जीरो, पढ़ने में अच्छा लगता है, एक्चुअल में यही यहीं तक सॉल्व करना था, लेकिन अच्छा लग रहा है बस, भाग्य दूसरा कुछ नहीं। सर यहां पे शादी नहीं करनी हमको, अच्छा लगे या बुरा लगे। चलो तो लूप और एक बाकी है, बी सी डी ई बी, बी सी डी ई बी नीचे वाला लूप। चलो बी से सी जाओ, क्लॉकवाइज जाओ एंटी क्लॉकवाइज, मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप बोलेंगे सर मुझे बी से ई जाना है, जाओ मेरा क्या जा रहा है, कोई भी लूप मानो, क्लॉकवाइज जाओ या एंटी क्लॉकवाइज, बच्चों क्लॉकवाइज जाना अच्छा लगता है, बाकी कुछ नहीं यार, है ना, हमको आदत है ना क्लॉक देखने की, उल्टी घूम गई तो हमारा दिमाग
सटक जाता है, तो इसके लिए क्लॉकवाइज जाओ, अच्छी बात है, नहीं जाना है तो मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। चलो तो बी से सी गए सर, मेरा करंट जा रहा है ऊपर, पातारी नीचे, अपोजिट पॉजिटिव है मेरे पास, आई टू आर फोर, पॉजिटिव देने की कोई जरूरत नहीं। सी से डी पहले सेल है, लोअर टू हायर मतलब हायर टू लोअर है, हायर टू लोअर, तो माइनस ई टू। बाद में यहां दोनों का डायरेक्शन अपोजिट टू, प्लस करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस, करंट आई टू आर आर फाइव, देखो करंट ऐसा, मेरा पाथ ऐसी है अपोजिट में। डी से ई कोई फायदा नहीं, बी अब ये डायरेक्शन बदल गया, देखो ये करंट ऐसे ही मेरा, मतलब पॉजिटिव यहां पे करंट है मेरे पास आई वन प्लस आई टू, ब्रैकेट में रेजिस्टेंस आर थ्री इज इक्वल टू जीरो। चलो सॉल्व करना है तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो I2 R5 प्लस I1 R3, ब्रैकेट सॉल्व कर रहा हूं, I2 R3 इज इक्वल टू जीरो, E2 को इधर रख दो माइनस, ओके I2 है वन टू थ्री, चलो तीनों भी प्लस नंबर से, ये प्लस ये प्लस ये प्लस, तो इसलिए ये प्लस बचा है मेरे पास, देखो यहां पे R4, R5, R3, तो R3 वाले को अच्छे से पहले लिखो, बाद में R4 लिखो, बाद में R5 लिखो, लिख लिया, अच्छा तो बचा है मेरे पास I1 R3 is equal to zero, तो ये इक्वेशन मुझे मिल रही है। आप समझ में आ रहा है बच्चों, क्रिचॉफ्स लॉ कैसे इस्तेमाल करते हैं, लूप्स लॉ है ये, लूप्स लॉ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के लिए इस्तेमाल करते हैं बच्चों, इसके लिए नीड JEE में तो बहुत ज्यादा फायदा होता है, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ लो ना आप, सीटी में तो फायदा हो ही जाएगा, वैसे नीड JEE में भी फायदा होगा इसका।